हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर नॉलेज में। आज हम बात करेंगे MP पुलिस प्रैक्टिस सेट के ओल्डर पेपर के सेट 59 अर्थात 59 के। आज हम 2000 प्रश्न पूरे करने वाले हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर आपने हमारे सारे सेट देखे हैं, मतलब आपने 2000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लिए हैं या उनकी प्रैक्टिस कर ली है। जल्द ही हम इन 2000 को 10000 में भी परिवर्तित करेंगे। चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। जल्द ही आपका, जैसे ही वैकेंसी ओपन हुई तो यूँ समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन ही हो गया है। अगर आप हमारे साथ डेली बने हुए हैं, हमारे डेली की वीडियोस देख रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही नहीं, उसके अलावा अदर वीडियोस जो भी मैं बना रहा हूँ वो भी कांस्टेबल की दृष्टि से ही बना रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेबल में वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके ऊपर मैंने, जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है। तो अगर आप हमारे सभी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपकी सफलता ही नहीं बल्कि 90 नंबर्स जो है वो कन्फर्म है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है 30 अगस्त 2017 की इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसके दो भाग हमने हल कर लिए थे, बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर। तीसरा भाग है साइंस और सिंपल अर्थमेटिक का। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित डेटा के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य आपने 10वीं में बहुत अच्छे से ज्ञात किए होंगे। क्या करते थे हम, इन दोनों का गुणा करते थे, गुणा कर करके इनको जोड़ते थे। तो इन दोनों का गुणा करते हैं, 30 एकम 30, 35 दुनी 70, 20 तिया 60, 10 चौक 40, 55 25। ठीक है, अब इनको जोड़ना है। 30 और 70 100, 100 और 160, 160 और 40 200, 200 और 25 225। ठीक है, और बटे में क्या लिखना है, बटे में इनको जोड़कर लिखना है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। 225/15 ये हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। 15 से इसको काटेंगे तो आप जानते हैं 15 एकम 15, फिर 15 5 75, 15 हमारा आंसर हो गया, 15 हमारा समांतर माध्य हो गया। बहुत ही सरल है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। ये इस प्रकार घातांकों वाला कोई एक क्वेश्चन तो जरूरी आ रहा है। देखिए, सब में आधार समान है, 2/3 2/3 2/3, तो हम सिर्फ घातों को हल कर सकते हैं। आधार समान हो तो घातें जुड़ती है। -5 और -11 क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा, क्या घात में दे रखा है, 8x। ठीक है, 8 से 16 कट जाएगा, माइनस ऐसा कैसा, ये 8 दूनी 16, -2 हमारा आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। विस्तारित करना है a-b+c के होल स्क्वायर को। तो क्या होता है, a का स्क्वायर, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a² + b² + c² - 2ab - 2bc + 2ca। ठीक है, तो देखते हैं, a का स्क्वायर मतलब 4x², b का स्क्वायर मतलब +y² c का स्क्वायर मतलब 9z². तो 4x² + y² + 9z² सभी में दे रखा है। अब माइनस का 2ab यानी कि -2 × 4xy, तो -4xy सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। फिर भी आगे मिला लेते हैं, -2bc यानी कि 2 × y × 3z, तो 3 × 2 = 6yz, तो -6yz +2ca यानी कि 2 × 3 × 2, तो 2 × 6 = 12, 12xz बिल्कुल दे रखा है, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। अब ये फॉर्मूला अगर आपके लिए नया है तो फॉर्मूला नोट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। देखिए, एक नोटबुक बनाइए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लग रही है कि ये इम्पोर्टेंट है तो उनको नोट करते जाइए, चाहे वो फॉर्मूला हो, कोई प्रमेय बता रहा हूँ या कुछ भी बता रहा हूँ मैं, जीके से रिलेटेड कोई फैक्ट हो तो वो आप नोट कीजिए, अपनी नोटबुक बनाइए एक, और उसके अंदर सारी चीज़ें नोट करते जाइए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अंडर रूट निकालना है, तो देखिए, हर बार मैं आपको बताता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगा, वीडियो वैसे जल्दी ही बनाऊँगा अंडर रूट और क्यूब निकालने के लिए एक शॉर्टकट, लेकिन इस बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कभी भी अंडर रूट निकालना हो तो लास्ट की दो संख्याओं को क्या कर लीजिए, अलग निकाल लीजिए। अब लास्ट की दो संख्याओं में से जो लास्ट की संख्या है उसको देखिए, 6, तो 6 किसके स्क्वायर में आती है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है एक एक अंक, और एक 6 के स्क्वायर में आता है, यानी कि या तो फिर 4 चौक 16 होता है, 16 का 6 आता है पीछे, 6 6 36 का भी 6 आता है पीछे, इसके अलावा किसी भी संख्या के पीछे 6 नहीं आता है। अब ऑप्शन में आपको 4 ही दे रखे हैं, मतलब 6 तो आपको लेना ही नहीं है, इकाएक अंक हो गया 4। अब आगे लिखा हुआ है 27 45, तो 27 45 को देखना है आपको। अब 27 45 अगर मैं 50 लेता हूँ,
तो 50 का स्क्वायर क्या बनता है, 55 का 2500, 50 का स्क्वायर 2500 ही बनता है ना, 2500 तो बड़ा है, यानी कि 50 से बड़ी संख्या यहाँ इसके आगे आएगी। अब 50 से बड़ी संख्या अगर मैं 60 ले लेता हूँ तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 6, 3600। अब 3600 फिर 27, 45 से बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी कि 60 से छोटा आना चाहिए, यानी कि 50 की लाइन में ही कोई आएगा। अब 50 की लाइन में कोई आएगा तो 56 भी दे रखा है, 52 भी दे रखा है, तो एक काम करते हैं हम 55 का वर्ग निकाल लेते हैं। 55 का वर्ग निकालना तो बहुत ही आसान है, 5 का 6 में गुणा कर दीजिए, 5 6 30, और 5 का स्क्वायर कर दीजिए यानी कि 25, 30 25 जो है वो 55 का स्क्वायर हो गया। अब 30 25 से छोटी संख्या है, यानी कि मुझे 55 से भी छोटी संख्या चाहिए, तो 55 से छोटी संख्या हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन, यानी कि 524 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ये जितना आपको समझाने में मुझे समय लगा, एक सेकेंड में इस सवाल को मैं कर देता, क्यों, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो वर्ग, आयत और समचतुर्भुज, ये सभी समांतर चतुर्भुज के अंदर आते हैं, लेकिन काइट, काइट मीन्स पतंग, पतंग जो है वो एक, उसको हम समांतर चतुर्भुज के अंदर नहीं ले सकते। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद है, मतलब ये दो समांतर रेखाएं हैं और किसी तिर्यक रेखा द्वारा काट जाती है, तो संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, समान होगा। हर बार मैं प्रमेय बताता हूँ, ये प्रमेय बिल्कुल लिख रखी है, इस बार सवाल नहीं दिया, पूरी प्रमेय दे दी उसने, तो आप प्रमेय नोट कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है ना, नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। 10% की सालाना चक्रवृद्धि दर से कितने वर्ष में 4000 रुपये 5324 रुपये हो जाएंगे, तो 4000 रुपये का मूलधन दे रखा है उसने। अब 10% की चक्रवृद्धि दर है, यानी कि 110/100 है। अब कितने वर्ष में, तो मान लेते हैं आर वर्ष में, ये रुपए कितने हो जाएंगे, 5324 हो जाएंगे, तो 5324। अब क्या करेंगे हम, 4000 को इधर बटे में ले आते हैं, तो ये बटे में आ जाएगा 4000, ठीक है। आप चाहे तो इनको काट सकते हैं, जैसे कि 11/10 बन जाएगा 110/100 से, ये हो गया 11/10 की पावर आर, ठीक है। अब यहाँ भी काटापेटी हो रही है, तो यहाँ भी आप चाहे तो काटापेटी कर सकते हैं, बराबर, किससे कट रहा है ये, चार से कट रहा है ना, सामने दिख रहा है, तो 4 से इसको काटेंगे तो ऊपर आएगा 13 चौक 52, फिर 4 3 12 और 4 1 4, नीचे कटेगा तो नीचे बनेगा 1000, ठीक है। अब ये भी क्या है, ये क्यूब है, दोनों 11/10 का क्यूब बन गया है, ठीक है। तुलना करने से हमको क्या प्राप्त होता है, आर का मान 3 वर्ष प्राप्त होता है, तो 3 वर्ष में ये इतने रुपए इतने हो जाएंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिससे 38, 58, 75 से गुणित करने पर पूर्ण घन बनता है, तो इसके लिए आपको इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा। 38, 58, 75, ये जाएगा 3 से 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, फिर 3 8 24, 3 6 18, फिर 25 3 75, फिर 3 से जाएगा, 3 4 12, 3 2 6, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से जाना चाहिए अगर घन बनना है तो, लेकिन देखिए 4 2 6 8 7 15 5 नहीं जाता है, क्योंकि आप देखिए 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, यानी कि क्यूब बनाने के लिए मुझे 3 3 चाहिए, मतलब 3 जो है वो 3 बार होना चाहिए, इसमें 2 बार ही है, यानी कि 1 तो 3 भी चाहिए मुझे क्यूब बनाने के लिए। और देखते हैं आगे, तो 7 से जा रहा है, 7 6 42, 7 1 7, 7 2 14, 7 5 35, फिर 7 से जा रहा है, 7 8 56, 7 7 49, 7 5 35, फिर 7 से जा रहा है, 7 1 7, 7 2 14, 7 5 35, अभी 125 तो 5 का क्यूब है ही सही, और ये 7 का भी क्यूब बन गया। अब मुझे 3 का क्यूब बनाने के लिए 3 का ही गुणा करना है, मतलब 3 ही हमारा आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। एलसीएम निकालने की भी आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए।
अब देखिए बहुत सारे क्या सोचेंगे कि सर हमको ट्रिक नहीं बता रहे हैं। देखिए जहां ट्रिक लगती है या जहां की ट्रिक आपको याद रहती है, मैं वहीं की ट्रिक बताना चाहूंगा। हर बार मतलब मान लिया कि हर चैप्टर के अंदर मैथ्स में कम से कम 25 चैप्टर है, हर चैप्टर में कम से कम सारे सवाल अगर मैं ट्रिक से करवाऊं तो हर चैप्टर में कम से कम 10 ट्रिक बनेगी, यानी कि टोटल 250 ट्रिक। 250 ट्रिक आप याद कर पाएंगे क्या? आपको 250 छोड़िए, आपको 25 सूत्र याद नहीं होंगे मैथ्स के, और आप सोच रहे हैं कि आपको सारे क्वेश्चन ट्रिक से करवाए जाए, तो वो नहीं हो सकता। और वो अगर आप कर रहे हैं तो अभी फिलहाल आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन एग्जाम में आपको एक भी ट्रिक ढंग से याद नहीं आएगी, या याद आएगी तो जिसमें लगने चाहिए उसमें नहीं और दूसरे उसमें याद आ रही, तो आप जानबूझ कर गलत कर जाओगे, फिर बाद में पछताओगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। शॉर्टकट ढूंढने से सिलेक्शन नहीं होता है, मेहनत करने से सिलेक्शन होता है, ये बात ध्यान रखें। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 836 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा 22 है, तो उसका परिमाप कितना है? ध्यान रखिए आयत की एक भुजा दे रखी है, दूसरी भुजा निकालने के लिए इसमें 22 का मैं भाग दे देता हूँ, तो 22 दिया 66, ठीक है ना। चलिए 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 सती 77, ठीक है ना। एक मिनट, 11 दूनी 22, 11 सती 77 और 11 छ 66, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 8 16, यानी कि 38 जो है उसकी दूसरी भुजा हो जाएगी। अब दोनों भुजाओं का योग और उसका दुगना ही हो जाएगा उसका परिमाप, तो 38 और 22 को जोड़ देते हैं, क्या होता है 60, 60 का दुगना 120, 120 उसका परिमाप हो गया। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। लंब वर्तुल बेलन का आधार क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 5 है, तो उसका आयतन क्या है? तो आधार के क्षेत्रफल और ऊंचाई का गुणनफल ही तो उसका आयतन होगा, यानी कि 40 × 5 यानी कि 200 घन सेंटीमीटर उसका आयतन हो गया। ध्यान रखिए आधार नहीं, ये आधार क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर 40, और ये दे रखा है एच, और आयतन का मान होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि दोनों का गुणा, और वही हमने किया। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। एक चतुर्भुज में कुल कोण कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं 360 डिग्री चारों कोणों का योग होता है। और चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। एक साइकिल की बाजार कीमत 2700 रुपये, उसकी छूट दर 10% है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो 2700 10% की छूट है, यानी कि 90/100 कर देते हैं गुणित में, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 37 × 90 यानी कि 33 33 हो जाएगा। देखिए 9 7 63 फिर 6 9 3 27 और 6 33 33 33 हो गया। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है तत्व। ध्यान रखिए विद्युत हीटर की बात कर रहा है जहां आप खाना पकाते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अमित अभी 20 वर्ष का है और लीला 4 वर्ष की, कितने वर्षों में अमित लीला से 2 गुना बड़ा हो जाएगा? तो ऑप्शन से कर सकते हैं आप। 8 वर्षों में देखते हैं तो 8 वर्षों में वो 28 का होगा, और ये 8 और 4 12 वर्ष की होगी, तो इसका दुगना हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 12 वर्ष में देखते हैं तो 12 वर्ष में ये 32 का हो जाएगा, और 12 और 4 16 की हो जाएगी ये, तो 16 दूनी 32 हो रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। भाग देना है तो 2a+1 का बहुत दिनों बाद सवाल आया है, तो मैं करके बताऊंगा आपको 2a+1। अब इसका भाग देना है तो पहले इसको हम जमाएंगे, पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, घात बड़ी घात लिखेंगे, यानी कि 6a² लिखेंगे, -7a लिखेंगे, उसके बाद बिना a वाला लिखेंगे, यानी कि -5। इसको आगे पीछे लिख रखा था, इसको व्यवस्थित लिखा। क्या करते हैं हम प्रथमांक देखते हैं, 2a और 6a² को देखना है, तो 2a में मैं किसका गुणा करूँ कि ये 6a² बन जाए? तो 2a में मुझे 3a का गुणा करना है, तभी ये 6a² बनेगा, तो 3a का गुणा पूरे में कर देते हैं, तो 3 दूनी 6a² तो बन गया, प्लस 1 का 3a में गुणा होगा तो 3a, ठीक है। चिन्ह बदल लेते हैं, ये भी माइनस का कट जाएगा, -7 और -3 तो -10a हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ऊपर से ऐसा कैसा उतार लिया मैंने -5। अब 2a और -10a को देखिए, तो 2 में मैं -5 का गुणा करूंगा तो ये -10 बन जाएगा, तो -5 का गुणा कर देते हैं, 2 5 10 और 5 1 5, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस वाले दोनों प्लस के बन जाएंगे, यानी कि ये पूरा कट जाएगा, हमारा आंसर आ गया 3a-5, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। बहुत ही सरल है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा से संबंधित है? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आती है अवपंक फफुंद। चलते हैं
अगले प्रश्न पर हमारा अगला प्रश्न, सॉरी, निम्न में से कौन से संयोजन संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त है? पृष्ठीय भोजी, मध्य क्षेत्र भोजी और अधस्थल भोजी। तो ये तीनों प्रकार जो है ये मत्स्य संवर्धन मतलब मछली पालन के लिए सबसे उपयुक्त है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, अमीबा के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो अमीबा के बारे में कौन सा विकल्प सही है? सभी कोशिका कार्य नहीं कर सकती, तो सभी के अमीबा में तो होती ही एक कोशिका है, गलत बात है। सूक्ष्मदर्शी नहीं होता है, तो सूक्ष्मदर्शी से क्या मतलब उसका, एक कोशिकी, ये बिल्कुल सही है। अभी अभी तो मैंने कहा था ऊपर ही कि एक ही कोशिका होती है, अमीबा एक कोशिकी जीव होता है, आपने याद किया होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, उस श्वेत तंतुयुक्त संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था, उसको हम टेंडन कहते हैं। इस बार शुद्ध हिंदी में नाम आ गया है कंडरा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम जो है वो है आर्थ्रोपोडा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, निम्न वर्णित क्लोन के बारे में विशेषता गलत है, उसकी पहचान कीजिए, मतलब बाकी सब सही है और एक गलत है। क्लोन आप जानते हैं ना, क्लोन का मतलब होता है जैसे रोबोट, रोबोट टाइप का होता है, रोबोट ही नहीं रोबोट टाइप का होता है। तो क्लोन मतलब किसी का, किसी की फोटो कॉपी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो पहला क्लोन जो था जीव भेड़ डोली था, बिल्कुल सही था, और डोली की अब फिलहाल में मृत्यु हो चुकी है। भेड़ का एक क्लोन बनाया गया था जिसका नाम डोली रखा गया था। क्लोन भेड़ डोली अपने माता पिता के समान नहीं थी, क्लोन उसी को कहते हैं ना फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी तो माता पिता के समान होती है, तो यही बात उसने गलत कह दी, ठीक है ना, ये गलत है। बाकी देखते हैं, विल्मुट ने वयस्क भेड़ के पहले क्लोन को विकसित किया था, मतलब ये डोली जो है, डोली को विकसित किसने किया था, विल्मुट ने किया था, बिल्कुल सही बात है। डोली उस वयस्क भेड़ का सटीक प्रतीक थी जहां से नाभिक लिया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। मतलब गलत निकली सिर्फ सेकेंड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा क्लोन जो है वो माता पिता के समान होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, आगरा के आसपास मथुरा तेल रिफाइनरी और चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसी के कारण होती है ताजमहल और उसके आसपास अम्ल वर्षा, और इससे क्या होता है, ताजमहल खराब होता है, उसका संगमरमर खराब होता है। ध्यान रखिए, आगरा की बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण, दिल्ली में अम्ल वर्षा, तो इतना तो कोई भी बेवकूफ नहीं है कि दिल्ली वाला ऑप्शन सही करेगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न पर, पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका नाम है। पाचन क्रिया जिस किसी ने भी पढ़ी है उसको पता होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, वर्षा में कमी इसके कारण होती है? तो वर्षा में कमी होती है गर्मी के कारण, और गर्मी होती है ग्लोबल वार्मिंग को ही हम गर्मी यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ना कहते हैं। चलते हैं हमारे अगला प्रश्न पर, लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, तो यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना क्या होता है? तो पृथ्वी का अपना होता है चुंबकीय क्षेत्र, और उसी क्षेत्र के कारण हमेशा चुंबक जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, बहुत ही सरल है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितनी है? तो क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, 154 दे रखा है उसने, ठीक है ना, यानी कि आर का मान मैं निकालना चाहूँ तो आर का मान क्या निकलेगा, 154 बटे में पाई यानी कि बटे में 22 7, तो बटे के बटे में ऊपर ले लेते हैं, स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट लगा देते हैं, तो 22 × 7 = 154 होता है, 7 × 7 यानी कि आर का मान क्या हो गया, 7 हो गया। अब हमको परिधि निकालनी है, यानी कि 2πr यानी कि 2 × 22 / 7, ये 2π, और r का मान है हमारे पास 7, 7 × 7 कट जाएगा, 2 × 22 यानी कि 44 सेंटीमीटर उसकी परिधि हो गई। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु किसको हटाने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, यकृत शोध में आंखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है? तो यह होता है बिलीरुबिन। यकृत की बात कर रहा है ये, यकृत शोध अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो ये बीमारी होती है, और हेपेटाइटिस की ये बात कर रहा है। तो हेपेटाइटिस में क्या होता है,
आंखों और त्वचा के श्वेत पटल में कौन सा वर्णक आ जाता है? तो वो आ जाता है बिली रूबिन आ जाता है, ठीक है ना। ये भी अन्य वर्णक है, क्लोरोफिल वर्णक है, इसी के कारण क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन ये पौधों में पाया जाता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। ग्रह शुक्र निम्नानुसार घूर्णन करता है, तो शुक्र जो है वो पृथ्वी का उल्टा घूमता है। पृथ्वी कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये पृथ्वी का है, तो उल्टा क्या होगा इसका? पूर्व से पश्चिम की ओर, तो शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारी बारिश हो रही है और सोनम बगीचे से अपने घर तक पहुंचना चाहती है, वह रास्ता जिस पर उसके फिसलने की न्यूनतम संभावना है इसके अस्तरी थी, तो फिसलने की कम संभावना जो रहेगी वो रहेगी बजरी पे। बजरी का मतलब रेत के छोटे छोटे कणों को ही हम बजरी कहते हैं, ग्रेवल्स आपने नाम सुना ही होगा। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर घर्षण का मान बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ घर्षण ज़्यादा है वहाँ फिसलने की कम संभावना है। चलिए आगे चलने पर हम पाते हैं कि हमारा सेट पूरा हो गया है, 30 क्वेश्चन जो इसका लास्ट था वो कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ हमने 20 सेट पूरे कर लिए हैं, 20 सेट का मतलब सॉरी 20 पेपर पूरे कर लिए हैं, 20 पेपर का मतलब हमने 2000 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने हमारे साथ 2000 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे हम और आगे चलकर धीरे धीरे 2000 से 5000 पर आएंगे, 5000 से 10000 पर आएंगे, और जब तक हमारी वैकेंसी आएगी तब तक तो हम इतने सुदृढ़ हो जाएंगे कि आसानी से हम बहुत ही अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ध्यान रखिए 90 नंबर्स का टारगेट है आपका, और आपको मेहनत भी उसके अनुसार करनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।